बमबारी से तहस नहस हुआ खारकीव का मार्केट। सेना ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया। यूक्रेन का दावा, युद्ध में अब तक मारे गए 11,000 से अधिक रूसी सैनिक, 48 हेलीकॉप्टर तबाह। दिग्विजय सिंह ने पीएम को लिखी चिट्ठी, बोले यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों की पढ़ाई के लिए बनाई योजना। राकेश टिकैत बोले वोट की पहरेदारी के लिए तैयार रहे किसान, छलिया नेताओं का भरोसा नहीं। सातवें और आखिरी चरण का चुनाव कल वाराणसी समेत 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाजियाबाद में सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस समारोह में परेड का निरीक्षण किया। वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आज 53वां स्थापना दिवस सीआईएसएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहीं लेकिन अब तक के सीआईएसएफ के 52 साल के काम को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आज का 53वां स्थापना दिवस पूरे देश के औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अमित शाह ने महामारी के दौरान सीआईएसएफ द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें यूपी की, तो 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। वहीं अंतिम 7वें चरण के 54 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। इसी कड़ी में प्राइम टीवी ने गोरखपुर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 7वें चरण का मतदान कल होना है और सभी पार्टियां अपने सत्ता में आने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ गोरखपुर से राज्यसभा सांसद जेपी निषाद जी हैं। तो आप क्या कहेंगे कि क्या इस बार बीजेपी फिर से रिपीट करेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर सुशासन पैदा किया है, आज गुंडे माफियाओं के छक्के छुड़ाए हैं, इससे जनता में बिल्कुल विश्वास पैदा हुआ है कि अब यहाँ पर अगर कोई विकास कर सकता है, सर्व समाज के हित की बात कर सकता है, सर्व का विकास, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ये निरंतर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो इसमें आम जनमानस, माताएं बहनें, नौजवान साथियों को पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि यही डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है और ये पुनः भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक चरण से लेकर के 7वें चरण तक, 7वें चरण का मतदान कल होगा और अपना एक एक मत प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में दे रहे हैं और सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अच्छा, आपके अनुमान के मुताबिक कितनी सीटें निकलती हुई दिख रही हैं? क्या गठबंधन के चांस आ सकते हैं और आते हैं तो किससे हो सकता है? देखिए, आपको बता दूं कि अगर 2017 से ज्यादा भी सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएं, तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए इसको देख करके। आज हालात उसी प्रकार के हैं कि हम तो देख रहे हैं कि 2017 से भी ज्यादा इस बार 2022 में सीटें आने की आसार हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, आप पूर्वांचल बोर्ड के सदस्य भी हैं, क्या काम करता है ये बोर्ड और किस तरह का काम सदस्य बनने के बाद आपके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी विकसित प्रदेश हैं, विकसित देश हैं, इस प्रकार के बोर्ड बना करके बोर्ड सर्वे करता है, सबका ओपिनियन लेता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आम जनता की भी राय सरकार के अंदर लेना बहुत जरूरी है। ये बोर्ड जिस प्रकार शोध का काम करता है कि कौन सी चीजें कहाँ, किस कोने में, किस जिले में, किस तहसील को किस प्रकार से हम डेवलप करें कि हमारा प्रदेश आगे उन्नति की तरफ बढ़े, ये अपना पूर्वांचल विकास बोर्ड इस नजरिए से बनाया गया है कि इस प्रदेश को, पूर्वांचल को जो पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको हर सुविधा से लैस करने के लिए,
उसका शोध करके वहां से सारी ओपिनियन लेकर के उसके विकास में अग्रसर काम करने के लिए, ताकि वो पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल भी सबके साथ विकसित हो, इस प्रकार का ये बोर्ड बना करके काम कराया जा रहा है। अच्छा, आप छात्र संघ से भी जुड़े हुए रहे हैं और DDU से आप आते हैं, तो क्या अगर फिर से सत्ता में आते हैं तो छात्र संघ की बहाली की जा सकती है? देखिए, ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अगर नौजवानों, किसानों, मजदूरों, बहनों और माताओं सबके लिए अगर किसी ने काम किया, हर क्षेत्र के लिए, चाहे किसी व्यापारी वर्ग हो, सबके लिए हर क्षेत्र में काम करने का काम जो किया है, सबका इसी पर नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही ये काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक चौकीदार इस देश का हूं। चौकीदार का काम क्या होता है? सबकी रखवाली करना, सबके विकास की उन्नति करना, कहीं से कोई चोर चुरा न ले जाए, उस पर पैनी निगाह रखना। और आज देख लीजिए, यूक्रेन भी कह रहा है कि हमारे देश के, अगर भारत देश के प्रधानमंत्री चाहें तो हमारा मामला हल हो सकता है। अगर दूसरे देश में इस प्रकार का विश्वास पैदा, तो अपने यहाँ की जनता ने अगर विश्वास किया तभी दूसरा देश हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज नौजवानों में, उन छात्रों में पूरी तरह से बहुत बड़ा एक उत्साह है और लोगों ने विश्वास पैदा किया है मोदी और योगी में और वो सारे लोग साथ में। अच्छा, विपक्ष चुनाव से पहले से ही छुट्टा जानवरों पर सवाल उठाता रहा है, तो क्या अगर सरकार आप फिर बनाते हैं तो छुट्टा जानवरों के लिए कुछ ऐसा समाधान लाया जाएगा? देखिए, ये तो पूज्य महाराज जी ने पहले ही तय कर लिया, छुट्टा जानवरों को जो है सुरक्षित करके, आपने देखा गौशालाएं खुलवाने का काम किया, गौशालाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया, जो गांव के किसान, मजदूर, नौजवान अगर गौशाला खोल करके गौ रक्षा करता है तो उसके लिए उन्होंने एक निधि भी बना दिया कि ये इतने पशुओं पर इतना जो है उनके खाने पीने के लिए चारा की व्यवस्था भी कर दिया और सुरक्षित करके, जो आज हम लोग प्योर दूध नहीं पाते हैं, सिंथेटिक दूध मिलता है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम। आज देखिए, बहुत बड़ी डेयरी फार्म बन रही है अपने यहाँ, पहले अमूल था, अमूल से भी बड़ा डेयरी फार्म बनाने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए और यहाँ का इन्वायरमेंट ठीक करने के लिए पशुओं का भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए महाराज जी ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दे करके और फिर से सारी चीज को, प्रकृति को ठीक करने के लिए एक अच्छा पहल किया है, इसकी सराहना पूरे देश में होती है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नंबर एक पर आता है। तो हमारे साथ थे गोरखपुर से आए राज्यसभा सांसद JP निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम एक बार फिर रिपीट करने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, आने वाले 10 मार्च को इस पर्दे से पर्दा उठ जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम TV, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस ने खास कार्यक्रम की तैयारी की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला मार्च का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम मार्च बेगम हजरत महल चौराहे से उदा देवी चौराहे होते हुए GPO स्थित गांधी प्रतिमा के पास खत्म होगा। इसी कड़ी में कार्यक्रम की पूरी जानकारी के लिए प्राइम TV टीम ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से बात करी है। आप भी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मार्च निकाला जा रहा है और वहीं इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत जी हैं। मैम, क्या आयोजन किया जा रहा है, क्या रूपरेखा? प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा एक सशक्त नारा दिया था और उसके बाद उन्होंने 40% टिकट महिलाओं को ही दिए। उनका ये मानना है कि इस बात को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की हर वक्त हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनकी भागीदारी तय होनी चाहिए। विश्व महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी जितनी भी महिला प्रत्याशी थी, करीब 160 महिला प्रत्याशी, हमारी चुनी हुई महिला सांसद, चुनी हुई महिला विधायक, चुनी हुई जिला पंचायत सदस्य जो महिलाएं हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जो महिलाएं हैं, बाकी राज्यों से इसमें आएंगी। इसमें और भी बहुत सारे गैर राजनीतिक लोग, उसमें गृहणियां शामिल हैं, उसमें समाज सेविकाएं हैं, उसमें शिक्षिकाएं हैं, उसमें अधिवक्ता हैं, उसमें हेल्थ सेक्टर से लोग हैं, उसमें स्पोर्ट्स जगत से, फिल्म जगत से लोग हैं, उन सबके आने की उम्मीद है। उन सब लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया है। ये बेगम हजरत महल पार्क से शुरू होगा, उदा देवी की
मूर्ति पर माल्यार्पण करके इसका गांधी प्रतिमा पर समापन होना है। कौन कौन से बड़े चेहरे आ रहे हैं अन्य प्रदेशों से? गांधी जी इसको लीड कर रही है और उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ सुप्रिया स्विने थी जो कांग्रेस की नेत्री, इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो महिला सशक्तिकरण के नारे को लेकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के जो नारे के साथ चुनाव लड़ी है उसी को आगे बढ़ाने के लिए इन सब जो आने वाले 8 मार्च को महिला दिवस पे एक मार्च निकालेगी और ये पूरे प्रदेश भर से महिलाएं इसमें सम्मिलित होंगी। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु प्राइम टीवी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी योगी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इस बार 300 की पार सीटें मिलेंगी। इस छह चरण के चुनाव होने का आप लोगों के सहयोग के लिए बधाई है। सातवें चरण का चुनाव रह गया है। जो प्यार और स्नेह आप लोगों का मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, जिस तरीका का समर्थन मिला जनता का और मीडिया का भी, और इस देश की सम्मानित जनता, चाहे माताएं रही हो, चाहे बहनें रही हों, चाहे बुजुर्ग रहा हो, हर वर्ग, यहाँ तक कि इस बार का चुनाव ऐसा रहा है कि मुसलमान अल्पसंख्यक भी ये कह रहा कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, उसके सलाह से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नीति बनाई कि जो सपा बसपा कांग्रेस की नीतियाँ थी, तो मेरा जेब पेट खाली था, जेब खाली था, घर खाली था। और मोदी जी ने सभी के तरह जिस तरीके से अनाज पहुंचाया, योगी जी ने उसी तरीके हमें भी अनाज पहुंचाया है, सबको जिस तरीके मकान दिया, मुसलमान भी कहता हमें मकान दिया है, जिस तरीके सबके बेटे के इलाज के लिए उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड दिया, मुसलमान को दिया है, न्याय दिया है, दंगे खत्म हो गए हैं, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया है। तो ऐसे में सभी जाति धर्म के लोग मिलकर, और विशेषकर जो मैं मोदी जी को एक सलाह, मैं बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी को सलाह दिया था कि कांग्रेस और सपा और बसपा के गलत नीतियों के कारण देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा और गांव का गरीब भूखों मर रहा है, और ऐसे में अनाज अगर जनता जनार्दन को, गरीबों को मिल जाए तो उसके आशीर्वाद से आगे हम लोग सत्ता में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के बीच वहां पर काफी तादाद में भारत और अन्य देशों के छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है और कई बच्चे यूक्रेन से वापस हिंदुस्तान लौट आ चुके हैं और आगे भी आना उनका जारी है। ऐसे ही अलीगढ़ के रहने वाले छात्र साहिल भी अपने घर सुरक्षित लौटे। वहीं छात्र साहिल ने इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद किया। साहिल ने बताया कि किन कठिन परिस्थितियों में उसने वहां पर हालातों को देखा है। रोमानिया बॉर्डर तक हम बहुत सेफली इजीली पहुँचे, कुछ दिक्कत नहीं आई। बस में दो बस करी थी, उसमें सब इंडियंस थे टोटली, वहाँ के लोकल से सपोर्ट मिला था हमें। हम बॉर्डर हमने बहुत इजीली क्रॉस किया। जब हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किए तो उसके बाद हमें एनजीओ वालों ने पिक किया वहाँ से, वो हमें अपने शेल्टर्स में ले गए, वहाँ हमें खाने को दिया, पीने को दिया, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराई गई। जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया था फर्स्ट डे, हमें एम्बेसी से कोई वॉलंटियर या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव था उनका, वो आया था, तो वो बोल रहे थे कि आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम 2 दिन वेट किए, कुछ नहीं हुआ, 4 दिन वेट किए, कुछ नहीं हुआ, फिर हमने थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे, तब जाके कुछ हुआ हमारा, लाइक फिर वहाँ से हमें एयरपोर्ट ले जाया गया था। फिर एयरपोर्ट पे हमें एम्बेसी वाले मिले थे, उन्होंने गाइड किया कि ये फ़्लाइट है, यहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे है। उसके बाद आज सुबह 4:30 बजे के आसपास फ़्लाइट लैंड हुई हमारी यहाँ पर। खबर सिद्धार्थनगर से है जहां 3 जिलों में 3 मार्च को मतदान के बाद काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यालय के नवीन मंडी परिसर में स्ट्रांग रूम बनाकर ईवीएम को रखा गया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और बराबर उन पर नजर रखी जा रही है। वहीं सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक विजय पासवान ने भाजपा के लोगों से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका जताई है। डर तो क्या, हर बार इनका कोई ना कोई चोर बाजारी लगा ही रहता है, जनता इनको नकार दिया है, अब इनका कहीं ना कहीं मंशा है कि ईवीएम लूट घसूट ना कर ले, और क्योंकि जनता का दबाव है कि भाई विधायक जी तो सभी नेता ईवीएम की रखवाली करना, बीजेपी वाले चोर हैं, कहीं ईवीएम ना चुरा ले जाएं। तो हमारे जनता के कहने के नाते और जनता का जनाधार हम लोग को मिला इस तरफ उत्तर प्रदेश में भी और कपिलवस्तु विधानसभा में भी, तमाम जनता सुबह से लेकर शाम तक समर्थक हमारे आते जाते रहे, उनके नाते और इनके चोरों के नाते हम बैठे हैं यहाँ पे, कहीं कोई धांधली ना करने पाए।
से देखा जा रहा है आप लोग रात में भी कुछ लोग दिन में, तो ये कब तक चलता रहेगा? भैया वोट गिनती होने के बाद, उसके बाद जनता खुद इनको जूता लेकर मारेगी बीजेपी वालों को। खबर रायबरेली से है, जहां के धर्म सिंह खेड़ा गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी जंगल में लगभग 50 गौवंश पड़े मिले हैं, जिनको कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। ग्रामीणों को पता चलते ही पुलिस को सूचना दी गई, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुटी। खबर सीतापुर से है, जहां 1.5 साल पहले हुए प्रेम विवाह ने आज दो परिवारों में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। बता दें कि पूरा मामला थाना अट्रिया के अंतर्गत सोनर तला गांव का है, जहां परिवार का आरोप है कि दबंगों ने सभी की पिटाई के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस वारदात में गोली लगने से घायल जीजा और छोटे भाई को सीएचसी से लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जबकि कई लोगों को घायल होने की खबर भी सामने आई है। और पुलिस ने मामले में युवती के भाई रोहित साड़ू अंटू सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तुम कर लड़के साहब, हमरी सब हमरी त्रिपौणी है, तुम कौन हो? तो कहीं हम पुलिस हैं, तुम कहीं तो पुलिस लागत नहीं हो। जस कहीं पुलिस तैयो सलाह लेनी लबट्टी में लगा रहा सलाह लेनी कार, बस धड़ा पर मराई है लागा। कत्ते लोग रहे? 8 ठोर रहे, बहुरिया के लेगे संघ ही बांध लेगे। कैसे बांध लेगे? रुमाल से बांधी है, मुँह बांधा रुमाल, पाछे हाथ बांधे हैं और मुंह बांधा है रुमाल तेरे मारे मुक्कन मुंह को कुटी नहीं का बहुरिया के। अम्मा का बिटिया बहुरिया तुम्हारे पेट से नहीं रहेगा? हाँ। कितने महीने पेट? अरे त्याहे वो किन्हों में पुलिस आई कम से कम 10 गाड़ी ये तो सीतापुर तक। फतेहपुर जनपद में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अय्या शाह सपा प्रत्याशी विशंभर निषाद ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं। सभी की मांग थी कि पास बनाए जाए और जो गाड़ियां अंदर जा रही है उनकी तलाशी हो, बिना चेकिंग के गाड़ियां अंदर न जा पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर भरोसा है पर योगी के अधिकारियों पर भरोसा नहीं। एक जन्म दिवस समारोह मना रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ऐसे संवेदनशील स्थल पर जन्म दिवस समारोह का आयोजन करना और इन दोनों पुलिस विभाग और जो औद्योगिक सुरक्षा बल है जो सुरक्षा कर रहा है, इन दोनों को संयुक्त रूप से कोई आयोजन करना पार्टी करना ये संदेह को प्रदर्शित करता है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जाँच की जाए और जिसकी गलती निकले उस पर कार्रवाई की जाए, मशीनों की सुरक्षा की जाए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम समाजवादी लोग यहाँ पर लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का पुलिस का जमावड़ा लगाना संदेह के घेरे में आता है। अगर इनको कोई किसी का जश्न मनाना पार्टी बनानी है तो इसका मतलब है कि ये केंद्रीय पुलिस को भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ऑब्जेक्शन है और हम इसमें भी कल बात करेंगे, चुनाव को लिखेंगे पत्र और निष्पक्ष जो है मतगणना हो, इसमें शंका है कि निष्पक्ष मतगणना नहीं होने देंगे जिला अधिकारी और मांग करें कि यहाँ के एसपी कप्तान को भी हटाया जाए इसी स्थिति में, अगर मतगणना ठीक नहीं करा सकते ये लोग। यूपी की औरैया जनपद की दिव्यापुर पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 8 बाइक भी बरामद की है। बता दें कि तलाशी लेने पर आरोपी राजा उर्फ आदिल के कब्जे से 1 तमंचा भी बरामद हुआ है। एक मुकदमा 86/2022 है और अपराधियों की तलाश की जा रही थी कि चोरी किनके द्वारा कारित की जा रही है, इसी संबंध में हमारी टीमें लगी हुई थी। कल दिनांक 5 मार्च 2022 को करीब रात में 11:30 बजे जब ये टीम फफू चौराहे पे थी तो वहाँ पे इनको सूचना मिली कि चंद्रमणि महाविद्यालय के खाली मैदान में कुछ लड़के मोटरसाइकिल के साथ हैं और वो शायद चोरी की मोटरसाइकिल है, इसमें खरीद फरोख्त की बात करने के लिए वो एकत्र हुए हैं। हमारी पुलिस द्वारा दबिश दी गई और उनको गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें भी मिली और उसमें कुल 4 लोग पकड़े गए।
श्रावस्ती में नगर निगम की ओर से बनाई जा रही सड़क के निर्माण अनियमितता का आरोप लगा है, जहां एक दिन पहले लगभग 200 मीटर बनी सड़क उजाड़ना शुरू हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए सड़क निर्माण का कार्य रुकवा दिया है। वहीं सूचना पर पहुंचे ठेकेदार मिराज ने सही मोटरसाइकिल के साथ सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया, और जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और निर्माण कार्य शुरू हुआ। भैया इमा रोड में मेटेरियल नहीं पड़ रहा है, उसके बाद में जो है गलत रोड बनाई जाती है, कोनो मेटेरियल नहीं डालते हैं, के बाद में भर भर अभिन से उजर थी, आज काल बनाए नहीं, आज कुल रोड उजर गए। क्या दिक्कत है रोड में? रोड मानक के हिसाब से बहुत माल पड़ा है जी, और रोड तुरंत उजर रहा है, अभी रोड बनाने से क्या फायदा है? तो आप लोग क्यों काम रोक दिए हैं? काम रोक दिया है कि मानक का मतलब सही दिखाए, इका देखाए मटेरियल बढ़िया डाले, अधिकारी आज जांच करें। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर डसना गेट पर स्थित मंदिर में चोरी हो गई। बता दें कि मंदिर से कुछ दूरी पर डसना गेट चौकी भी पड़ती है, उसके बावजूद भी चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र का ताला तोड़कर सारी राशि चोरी कर ले गए। बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच में लगी है और पुलिस ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार से आ रही कार ने बच्ची को कुचल दिया, जिसमें बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने कार और चालक को हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हो गया और उसकी सड़क क्रॉस कर रही थी, उसकी मृत्यु हो गई है और उसके पंचनाम भर के अंतिम कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस तरह हुआ। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई यानी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।